नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बेसन और ब्रेड से बने बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए चाहिए हमें 1 कप बेसन और साथ ही हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइस। तो चलिए शुरू करते रेसिपी। सबसे पहले हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए लिया मैंने यहाँ पे थोड़े से धनिया के पत्ते, 4-5 मैंने लिया है लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लिया है और 1 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप कर लिया है। सभी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना लेंगे। धनिया का पेस्ट बना लिया है। अब हम बेसन में डालेंगे 2 अंडे। साथ ही हमने जो पेस्ट बना के रखे थे वो डाल देंगे। बिना पानी डाले मैंने पेस्ट बना लिया है। साथ ही हम नमक डालेंगे स्वादानुसार। डालेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर कलर के लिए और 2 पिंच हम डालेंगे हल्दी। बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और बेसन को हम घोल लेंगे। एक गाढ़ा घोल हमें तैयार करना है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप कौन से गांव से या कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे और बेसन को अच्छे से हम 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। देखिए, अच्छे से मैंने बेसन को 2 मिनट के लिए फेंट लिया है और आप थिकनेस देख सकते हो कैसा है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब हम एक ब्रेड के स्लाइस उठाएंगे। इस तरीके से बेसन में हम अच्छे से कोट करके तेल में फ्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम पैन में डाल लेंगे 1 चम्मच तेल। तेल जैसे मीडियम गर्म हो जाए हम 1 ब्रेड के स्लाइस डाल देंगे। आप चाहे तो 1 ब्रेड के स्लाइस को 2 टुकड़ों में भी करके डाल सकते हो। गैस का फ्लेम लो मीडियम करके हम फ्राई करेंगे एक तरफ पहले 2 मिनट के लिए, फिर हम ब्रेड के स्लाइस को पलट देंगे। तो मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइस को 2 टुकड़ों में कर लिया है। इनमें से आपको जो ब्रेड के स्लाइस पसंद हो उसी तरीके से आप फ्राई कर लीजिएगा। 2 मिनट बाद हम सभी ब्रेड के स्लाइस को पलट के दूसरी ओर भी फ्राई करेंगे और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। हमने जो इसमें धनिया और अदरक और लहसुन का जो पेस्ट डाला है ना, उसकी वजह से जो नाश्ते का टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 1-1.5 मिनट हम इस तरफ भी फ्राई कर लेंगे। दोनों ओर से नाश्ते का कलर जैसे ही अच्छे से चेंज हो जाएगा हम निकाल लेंगे। देखिए, तो फिर इसी तरीके से बाकी नाश्ता भी हम फ्राई कर लेंगे। जितना आपको देखने में सुंदर लग रहा है ये नाश्ता, खाने में भी उतना ही आपको टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के ये सुपर टेस्टी नाश्ते की रेसिपी को मेरे तरीके से जरूर बना के देखिएगा और खाने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।